नमस्कार दोस्तों, गार्डन व्यू पॉइंट पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका गार्डनर दोस्त फ्रेंड। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे आप एक कैलेडियम का बल्ब जो है उससे बहुत सारा प्लांट बनाएंगे, उसी के बारे में वीडियो है। पूरा वीडियो देखिएगा, कॉम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है अपडेट के साथ। फ्रेंड, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये कैलेडियम का जो बल्ब आप देख रहे हैं, कैलेडियम प्रोपेगेट करता है बल्ब से और सीड से। ये देखिए, बल्ब को मैंने छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है। यहाँ पर मैंने जो सॉइल मिक्सिंग लिया है वो है 50% गार्डन सॉइल, 30% ऑर्गेनिक कंपोस्ट और 20% सैंड मिला के मैंने यहाँ पर सॉइल मिक्सिंग रेडी किया है। फ्रेंड, ये 29 मार्च का है इस वीडियो। देखिए, ये कैलेडियम का जो बल्ब है स्पीरिंग टाइम में इसको आप ग्रो करेंगे तो बहुत जल्दी ये बल्ब ग्रो हो जाएगा। देखिए, मैंने छोटा छोटा जितना सारा टुकड़ा था वो सभी को मैं लगा रहा हूँ और इस सभी से प्लांट निकलेगा। तो फ्रेंड, देखते हैं जो इसके बाद मैंने बहुत सारा डेटों का अपडेट लिया है वो सब दिखाऊंगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। फ्रेंड, कैलेडियम शेड लविंग प्लांट है, इसको आप शेड में रखेंगे तभी इसका पत्ता जो है, उसका जो कलर है, उसका जो डिज़ाइन है वो अच्छा रहेगा। अभी मैं पानी ऐड करके इसको शेड में रख दूँगी कुछ दिन के लिए। देखिए फ्रेंड, ये कुछ दिन के बाद 6 अप्रैल का अपडेट है। देखिए, सभी जो मैंने पीसेस लगाया था बल्ब का उससे सभी से देखिए पत्ते निकल रहे हैं, नया नया प्लांट बन रहा है। ये प्लांट समर का एक बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल फोलियक प्लांट है। इसका पत्ते फूलों से भी बहुत अच्छा लगता है, फूलों से कम नहीं है इसका पत्ते। ऐसे आप समर में इस प्लांट को बहुत सारा ग्रो करेंगे तो आपका जो गार्डन है वो बहुत ही भरा रहेगा और बहुत ही कलरफुल रहेगा। फ्रेंड, ये देखिए कुछ दिन के बाद और 10 अप्रैल का ये अपडेट है। देखिए, सभी जो मैंने बल्ब लगाया था उसमें रूट बन गया है और पत्ते भी बड़ा हो गया है। अभी सब अब अलग अलग करके बहुत सारा प्लांट पा गए हैं और अभी इसको आप गार्डन में लगा सकते हैं। देखिए, इसका पत्ते कितना खूबसूरत होता है, ये बहुत अच्छा लगता है आपके गार्डन में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं सभी कमेंट का उत्तर देती हूँ। आज के लिए इतना ही।